एक लाख से नीचे जब घटता है तो हम लोग इसको थोड़ा की खतरे का समय आ रहा है हम लोग भी जो गलत किस्म के डॉक्टर होते हैं ये पेशेंट को पुश करना शुरू करते हैं कि भाई आपको प्लेटलेट चढ़ाने की दरकार है अगर इवन पंद्रह हजार बीस हजार भी आ जा रहा है ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो आपको बिजनेस जो कंपनी जो डॉक्टरी होती है उसमें कर रहे थे लोग लेकिन अब के दिन तो अच्छे अच्छे फार्मास्यूटिकल कंपनी पिल और क्या क्या दवा आयुष मिश्र और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड अभी मैं मौजूद हूं पटना के मेदांता हॉस्पिटल में और अभी हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर संजीव कुमार छपरिया जो कि इंटरनल मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट हैं यहां पे और इनसे जानेंगे कि डेंगू के बुखार में हम कैसे डेंगू के बुखार से बच सकते हैं और अगर जिसको भी अगर डेंगू हो जाता है तो उस समय आखिरी स्टेज जाने से पहले हम क्या कुछ प्रिकॉशन लेके उस ब्रेक बोन फीवर से हम बच सके और ऐसे में डॉक्टर संजीव से चल के जानते हैं कि डेंगू से कैसे बचाव किया जा सकता है और क्या कुछ उस टाइम में मेडिसिन जरूरी होंगे ताकि हम एंड स्टेज पे ना चले जाए क्योंकि डेंगू बुखार से बहुतों की मृत्यु भी होती है ऐसे में डॉक्टर संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू थैंक यू डॉक्टर संजीव फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है आपसे कि डेंगू के बुखार से अगर हम चाहें कि हम डेंगू से बच बच के रहें तो कैसे उसके प्रिकॉशंस लेने चाहिए सिंस ये बीमारी मच्छरों के काटने से होती है तो मच्छरों का प्रकोप कम हो तो डेंगू अपने आप कम हो जाएगा जी. तो मच्छर पनपे नहीं वो रिप्रोड्यूस नहीं करें इस पर सोसाइटी गवर्नमेंट इनका रोल आ जाता है कि कैसे मच्छरों को कंट्रोल किया जाए और सिंस ये पलते हैं स्थिर पानी के ऊपर तो सोसाइटी या अपने घर में हम लोगों का रोल रहता है कि अपने अगल बगल में देखें जहाँ कहीं पानी का पड़ाव नहीं हुआ वहाँ जहाँ भी स्टेग्नेंट वाटर रहेंगे वहाँ ये मच्छर पनपेगा और पनपेगा तो फिर डेंगू का खतरा बनेगा तो यहाँ सरकार का थोड़ा रोल आता है कि मॉस्किटो कंट्रोल को पर उनका कुछ ध्यान जाए अगर मच्छर हैं तो कुछ अपने भी सावधानी बरतनी है हमेशा फुल स्लीव्स के कपड़े पहने शरीर को जितना अधिक से अधिक आप कपड़े से ढक करके रखेंगे तो मच्छरों को कम जगह मिलेगी काटने को और जो बेयर स्किन है अगर आप सारा कपड़े से कवर्ड हैं आपके हाथ हैं चेहरे हैं तो इन पर मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम लगाएं कि मच्छर नहीं बैठें मच्छर आपके घर में प्रवेश नहीं करें उसके लिए ज़रूरी है कि खिड़कियों पर नेट्स लगाएँ जो पतला बिल्कुल नेट आता है जिसमें कि मच्छर प्रवेश नहीं कर सकते हैं घर के भीतर भी आप स्टैगनेंट वाटर नहीं रखें ऐसा नहीं है कि वो केवल घर के बाहर पनपता है घर के भीतर भी अगर आपको आप बाल्टी है या टोपिया या तसली जो कहते हैं उसमें अगर उसको स्टैगनेंट वाटर मिलेगा तो वहाँ भी पनप सकता है तो स्टैग्नेट वाटर को अवॉइड करें मच्छर घर के भीतर नहीं आएँ उसका ख्याल रखें अगर आ रहे हैं तो आप अपना बचाव करें फुल स्लीवस के कपड़े पहने मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम लगाएं और रात में मॉस्किटो नेट तो जरूर ही लगा करके सोएं ऐसे ये मच्छर मोस्टली दिन में काटता है अच्छा हाँ ये रात में कम काटता है दिन में काटता है डॉक्टर वन मोर क्वेश्चन कि अगर डेंगू अगर मान लीजिए डेंगू का मच्छर किसी को काट लिया है तो वो क्या कुछ सिम्टम्स है जिससे सामने वाले को पता चले कि वो डेंगू से इफेक्टेड है उसे डॉक्टर से कंसल्ट लेना चाहिए कोई भी डेंगू के सीजन में अगर आपको बुखार हो रहा है जो कि दो दिन तीन दिन एक दिन की कहानी है उसमें ज़रूर डॉक्टरों से आप संपर्क करें क्योंकि जितने भी कॉमन बुखार होते हैं शुरू में सबके लक्षण बिल्कुल एक जैसे होते हैं वो आप बिना टेस्ट के बिना डॉक्टरों के पास जाए नहीं पकड़ सकते कि ये डेंगू है या नहीं है ऐसे इनके सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं कि हाई हाई ग्रेड फीवर होगा बुखार होगा सर दर्द करेगा आँखों में दर्द होगा आँख हिलाने से आई बॉल्स में पेन होंगे जॉइंट पेन होगा बदन में बहुत दर्द होता है तो ये सब कॉमन सिम्टम हैं उल्टी होगी बहुत लोग सोचते हैं कि मेरे को सर्दी खांसी हुई है तो ये कोई जनरल वायरल फीवर है ये डेंगू नहीं है ऐसी बात नहीं है डेंगू में भी सर्दी खांसी हो सकती है डेंगू में भी लूज़ मोशन हो सकता है तो मैं ये इंफेसाइज करना चाह रहा हूँ कि डेंगू के सीजन में अगर इस तरह के सिम्टम कॉम्प्लेक्स लेकर के जब भी आपको बुखार आ रहा है डेंगू का टेस्ट अवश्य कराएं कि डेंगू है या नहीं है डॉक्टर हाँ। आप डेंगू की सीजन का जिक्र कर रहे हैं बार बार वो सीजन कितने से कितने दिन तक मानसून 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 और मानसून के ठीक बाद जिस समय वाटर स्टेगनेंट होगा बाहर में मतलब उस समय मच्छर बिल्कुल 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 अच्छा जहाँ एक तरफ डेंगू से बचाव के लिए आपने ये चीज़ें बताई हैं वहीं अगर कोई इन्फेक्टेड हो जाता है उसे पता है उसे डेंगू है तो उससे समय उसे क्या कुछ प्रिकॉशन लेना चाहिए कौन सा रूटीन रखना चाहिए ताकि वो मेडिसिन लेने के साथ साथ वो जल्द से जल्द ठीक हो पाए डेंगू एक वायरल फीवर है और इसकी कोई भी स्पेसिफिक दवा नहीं है कि ये हो गया मैंने ये पर्टिकुलर दवा ले ली मेरा डेंगू ठीक हो गया वो नहीं होगा ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है सेल्फ लिमिटिंग मतलब ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा सौ में नब्बे पंचानवे आदमी अपने आप केवल पैरासीटामोल टैबलेट खानी का है कालपोल क्रोसिन डोलो जिस नाम से आती है कि जब बुखार आ रहा है छः छः घंटे पर आप उसको लेते चले जाइए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ये पैरासीटामोलॉल टैबलेट लेने के साथ साथ आपको लिक्विड्स का इनटेक काफ़ी रखना है यू हैव टू अवॉइड गेटिंग डिहाइड्रेटेड कि डिहाइड्रेशन नहीं हो शरीर में पानी का अंश कम नहीं हो जाए तो सौ में पंचानवे आदमी बिल्कुल इसमें ठीक हो जाएंगे लेकिन जो पाँच सात आदमी गड़बड़ाएंगे वो मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि कौन गड़बड़ाएंगे और ना ही कोई ऐसी दवा आती है कि आप उसे खा लें और अगर आपके भाग्य में गड़बड़ाना लिखा है तो आप नहीं गड़बड़ाएंगे ऐसी कोई दवा नहीं है वो हम लोग हर दिन पेशेंट को देखते हैं और कुछ कुछ टेस्ट कराते हैं उससे हमें पता चलता है कि कौन पेशेंट गड़बड़ा रहा है अगर दुर्भाग्य से कोई पेशेंट गड़बड़ा रहे हैं जिनको कि डेंगू अधिक सिवियर होने वाला है तो वो जितनी जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस हो उतना जल्दी से जल्दी वो जल्दी ठीक होगा उसे प्रॉपरियर ट्रीटमेंट मिलेगा और हादसा होने का चांस काफ़ी कम रहेगा इसमें मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि डेंगू का बुखार जनरली चार से सात दिन रहता है और कॉम्प्लीकेशन शुरू होते हैं बुखार उतरने के एक दिन पहले से तो मरीज़ खुश हो जाते हैं कि मेरा बुखार अब उतर गया मेरा डेंगू ठीक हो गया लेकिन हम लोग उस समय बहुत ही कॉशस रहते हैं क्योंकि ये वो समय है जिस समय डेंगू का जो भाई है दूसरा जिसे डेंगू हिमोरजिक फ़ीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं ये उस पीरियड में डेवलप करता है और अगर आप उस समय डॉक्टर के संपर्क में नहीं हैं बहुत क्लोज और कुछ कुछ टेस्ट नहीं हो रहा है डॉक्टर से आप चेकअप उस पीरियड में नहीं करा रहे हैं तो फिर थोड़ी मुश्किल आन पड़ सकती है सीवियर डेंगू की जब हम बात करें तो ऐसे में अगर हम प्रॉपर रूटीन फॉलो कर रहे हैं और आपने कहा कि हमें ज्यादा से ज्यादा वाटर इनटेक करना चाहिए या लिक्विड इनटेक करना चाहिए लेकिन ऐसे में अगर कोई पेशेंट सीरियस हो जाता है सीवियर डेंगू उसको हो जाता है तो क्या उसे तुरंत एडमिट हो जाना चाहिए तुरंत 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 हॉस्पिटलाइजेशन हॉस्पिटलाइजेशन की की ज़रूरत ज़रूरत है है जितनी जल्दी वो हॉस्पिटल में आएंगे उतनी जल्दी प्रोबेबिलिटी है कि उन्हें डेंगू शॉक सिंड्रोम नहीं होगा या अगर हुआ भी अगर दुर्भाग्य से हुआ भी तो उन्हें हम लोग बहुत जल्दी उसमें से निकाल ले सकते हैं लेकिन अगर वो बहुत देर उस पीरियड में रह गए कुछ दिन उस पीरियड में रह गए तब फिर इलाज होना मुश्किल हो जाता है और हादसा होने का हादसा, 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 हादसा होने का डर बन जाता है जा। तो दैट इज़ द रीज़न हम लोग हमेशा कहते हैं कि अगर डेंगू है तो आप हर दिन डॉक्टर से मिलेंगे जो डॉक्टर कहते हैं टेस्ट कराइए <laughs> वो टेस्ट कराइए हर दिन डॉक्टर से मिलने का पर्पस यह है कि डॉक्टर एग्जामिन करके पकड़ ले सकते हैं कि आप डिहाइड्रेटेड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं आपको कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है आपका बी तो नहीं गिर रहा है अगर ये सब कुछ भी हो रहा है तो हॉस्पिटलाइज़ होइए और प्रॉप्रियट ट्रीटमेंट लीजिए और ठीक होंगे आप जी जी बिल्कुल डॉक्टर हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं एक लास्ट हेल्थ टिप लेना चाहूँगी आपसे ठंड का मौसम है ठंड अभी शुरू ही हुआ है लेकिन पारा आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा है ऐसे में वायरल और सीजनल फीवर या कफ़ एंड कोल्ड बहुत ज़्यादा तादाद में देखने को मिल रहा है चाहे वो घर हो ऑफिस हो आस देखने को मिल रहा है ऐसे में ठंड में सिर्फ गर्म कपड़े पहनने से क्या हम ठंड से बच सकते हैं या उसके अलावा हमें अपने लाइफ में या अपने खाने की रूटीन में भी कुछ चेंज करना होगा जिसकी वजह से हम कफ कोल्ड से बच पाए खाने की रूटीन थोड़ी मुश्किल है कहना कि कुछ पर्टिकुलर चीज खाएं या नहीं खाएं तो हमें कफ कोल्ड होगा या नहीं होगा प्रिकॉशन uh, तो क्लोथिंग से आती है अच्छा। कि आप गर्म कपड़े जरूर पहने खास करके एल्डरली लोग जो ससेप्टेबल हैं जिन्हें कुछ बीमारियां हैं कोम औरबिडिटीज़ हैं आज के दिन ये कोम ऑर्बिडिटी वर्ड बहुत कॉमन हो गई है कोविड के आने से सब लोग समझ गए हैं तो जो एजेड हैं जिन्हें कोम ऑर्बिडिटीज़ हैं उन्हें प्रिकॉशन तो लेना ही चाहिए एक चीज उन्हें समझना चाहिए कि जो लोग सुबह में मॉर्निंग वॉक करते आ रहे हैं जाड़े के समय में जब धूप निकले उस समय वो लोग टहलने निकलें और एक्सरसाइज करें रादर दैन कि अर्ली मॉर्निंग निकल रहे हैं खाने पीने का कोई बहुत रोल नहीं है बट कोर्स uh, जाड़े में रेफ्रिजरेटर वगैरह की चीज चिल्ड आइटम्स ये सब तो अवॉइड करना ठीक ही होगा। डॉक्टर एक और सवाल है आपसे कि डेंगू में प्लेटलेट्स के बारे में कहा जाता है कि अगर आपका एक लाख से कम प्लेटलेट्स चला जाता है तो आपकी हालत गंभीर हो जाती है प्लेटलेट्स चढ़ाने की बात हो जाती है ये क्या है प्लेटलेट्स कम होने से क्या सच में पेशेंट खतरे में चला जाता है प्लेटलेट uh, अगर वैल्यू आपकी एक लाख से कम हो रही है तो हम लोगों को थोड़े अधिक कॉशस होने की ज़रूरत है क्योंकि ये प्लेटलेट बहुत तेज़ी से गिर भी सकता है जिस समय खतरे की घड़ी आएगी जब पेशेंट का बुखार उतरेगा बुखार उतरने के एक दिन पहले से एक आध दो दिन बाद तक उस समय पेशेंट डेंगू वाले डेटोरेट कर सकते हैं और प्लेटलेट बहुत तेज़ी से डेटोरेट कर डिक्रीज़ कर सकता है इसलिए हम लोग उस पीरियड में प्लेटलेट्स की जांच थोड़ी ज्यादा फ्रीक्वेंटली कराते हैं जहां तक प्लेटलेट चढ़ाने का सवाल है अगर डेंगू के पेशेंट को ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो प्लेटलेट चढ़ाने से कोई फायदा नहीं है चाहे प्लेटलेट काउंट दस हजार पंद्रह हजार या बीस हजार ही क्यों ना हो जाए ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि अगर किसी की प्लेटलेट पंद्रह बीस हजार हो गई है ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो उसे प्लेटलेट चढ़ाना है या नहीं चढ़ाना है आप चढ़ा सकते हैं कुछ लोग चढ़ाते हैं लेकिन उसका कितना फ़ायदा होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है आज के दिन अगर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की हम लोग बात करें तो जब तक ब्लीडिंग नहीं हो प्लेटलेट नहीं चढ़ाने का हॉस्पिटल में हम लोग रखते हैं ये देखने के लिए कि हम लोग मरीज को मॉनिटर कर सकें बहुत फ्रीक्वेंटली कि कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है मरीज कितना डिहाइड्रेटेड हुआ है उसकी बीपी कितनी है ताकि हम लोग सारा कुछ अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकें प्लेटलेट पर से केवल अगर एक लाख से नीचे जा रहा है सत्तर अस्सी नब्बे हो गया है उसमें प्लेटलेट चढ़ाने की दरकार नहीं है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अस्पताल में दाखिल होने की जरूरत नहीं है आप अस्पताल में अगर डॉक्टर बोल रहे हैं कि जरूरत है दाखिल होने की आप दाखिल हो जाइए लेकिन प्लेटलेट चढ़ाने से फायदा नहीं है जब तक कि मरीज को ब्लीडिंग नहीं हो रही है डॉक्टर बट बात फिर आपने कहा कि प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर किसी का प्लेटलेट्स बहुत स्पीडली डिक्रीज कर रहा है तो ऐसे में उसके प्लेटलेट्स को बैलेंस करना या इंक्रीज़ करने के लिए क्या वो, उसका दूसरा वो, वो बीमारी ठीक होगी प्लेटलेट खुद ब खुद बढ़ना शुरू अच्छा। हो जाएगा ये नहीं है कि प्लेटलेट आपका अस्सी हज़ार से घट करके बीस हजार हो गया लेकिन ब्लीडिंग नहीं हो रही है हम प्लेटलेट दे, दे देंगे तो मरीज की कंडीशन सुधर जाएगी या डेटोरेट नहीं करेगा ऐसी बात नहीं है एक और सवाल है गोट मिल्क से रिलेटेड ये कहा जाता है कि अगर आपका प्लेटलेट्स डाउन हो रहा है तो बकरी की दूध पिलानी चाहिए क्या ऐसी कोई भी चीज़ जो कि नॉर्मल एडिबल आइटम्स हैं चाहे वो अनार हो पपाया हो या गोट मिल्क की बात कर रहे हैं या डाब हो ये नॉर्मल खाने की चीज़ें हैं अगर इनको खाने से प्लेटलेट बढ़ता है तो नुकसान क्या है इससे कोई नुकसान नहीं है अगर कोई बकरी के दूध पी रहे हैं हम बोलें कि मैं अमरुद खा रहा हूँ मैं पपीता खा रहा हूँ मैं अनार खा रहा हूँ मुझे डाब पीना है उस समय इसमें कोई नुकसान नहीं है फ़ायदा कितना होता नहीं होता ये मुझे नहीं पता है, है। ये रिसर्च की चीज़ है हाँ खुदा चाहेगा अगर आगे तो हम लोग यहाँ मैदानता में, में कभी उस चीज़ को हम लोग करके भी देख लेंगे कि कितना ये होता है बट कोई नुकसान नहीं है दे आर नॉर्मल नॉर्मल एडिबल आइटम्स ठीक है इफ़ यू 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 कैन थैंक सो मच डॉक्टर संजीव तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर संजीव इन्होंने आपको बताया कि डेंगू फीवर से कैसे आप बच सकते हैं अगर आपको पता है कि आपके घर परिवार में या आपके साथ डेंगू फीवर डेंगू हो रखा है तो ऐसे में क्या कुछ आपको प्रिकॉशन लेने की जरूरत है डॉक्टर संजीव ने आपको बताया इसके साथ ही एक सख्त हिदायत दी है कि अगर डेंगू की बीमारी अगर होती है तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए खुद आप डॉक्टर नहीं बन सकते खुद आप कोई भी दवाई खा के ये नहीं सोच सकते कि आपका डेंगू ठीक हो जाएगा ऐसे में जब भी अगर कभी डेंगू से कोई भी आसपास बीमार है तो उसको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करवाए और सही तरीके से दवाई खान पान और उसका रूटीन रखें ताकि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो पाए क्योंकि डेंगू फीवर बहुत असाधारण फीवर है इससे कईयों की जाने भी जाती हैं और यही कारण है जिसकी वजह से अपने व्यूअर्स के लिए ये स्पेशल वीडियो ला है ताकि उन्हें पता हो कि डेंगू फीवर से कैसे बच सकते हैं फिलहाल तब तक के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं धन्यवाद तंत्र मंत्र के भारत के जाने माने सर्वे गुरु खान बंगाली मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई ना कोई अड़चन पड़ जाती थी इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ काम होगा सिर्फ यहाँ ग्रह कलेश कर्ज मुक्ति प्रेम विवाह जादू टोना पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा विदेश यात्रा में रुकावट फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान गुरु खान बंगाली घर बैठे पाए समाधान अभी कॉल करें एट डबल फोर एट टू डबल सेवन नाइन जीरो थ्री